बकरी कह लगी वे शामा पै चलिया, थोड़ी देर दे बाद मेरे मालक ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननिया ने, बिच मैं नहीं आना। मेरे मालक ने मेरिया फिक्रां लग जानिया ने, मेरे मालक ने मैनू ढूंढने आ जाना, मैनू कद के लै जाना। फिर मैं हसनी हाँ, तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। पता लग गया नवे पिंड वाले हो, पिछे साई चूंदे आन पहचान आई जाते। अल्लाह दे नबी हज़रत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने वेख्या कि मूसा अलैहि सलाम की कुम्मत वास्ते कानून है, वे अगर गुनाह हो जाए तौबा दा दिल करे। अल्लाह फरमांदा बड़े बड़े जुर्माने करांगा, उन्हां वास्ते लिखे अगर गुनाह हो जाए ते इंज करे के दूसरे दियां जानां नूं कतल करो, कपड़ा पलीद हो जाए उन्हूं जला दिओ, फिर पाग करांगा। उस उम्मत दा कानून है वे सजदे च तौबा करे ते माफी मिल जाएगी। अर्ज कीती अल्लाह उम्मत मैनूं दे दे, अल्लाह ने फरमा कि मैं दे दवां मेरे यार दे गुलाम ने। हजरत मूसा ने तौरात बंद कीती, अर्ज कीती अल्लाह मैंने जब पढ़िया करना कदी मंगिया दुआ कदी रोंदा रिया जाके घरों कदी मंगिया दुआवां सियारां दे विच कदी रोंदा रिया जाके घरों दे विच जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा साडी बख्शिश लई रब नू मनांदा रिहा। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बुलंद आवाज़ ना सब पढ़ी सलातु सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिक व साहबिक या सैयदी या हबीब अल्लाह
सलातु सलामु अलैक या सैयदी या शफी अल मुज़निबीन वाला आलिक मा असहाबिक या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद सना तो बाद दुरुदो सलाम बारगाह सैयद अल-अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बायस तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वबारक वसल्लम के बाद वाजिबुल इहतराम मौजूद मोहतरम उलमाए किराम नात खान ने शेर लिसाम बानियान महफिल नकीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमान ने गिरामी ज़ियत शाम हाजरीनो सामीन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा सिलसिले सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम आपदी इस जामे मस्जिद अक्सा नवा पिंड के अंदर इनेकाद पजीरे मैं शुक्रगुजार हाँ अज की इस माफले मुबारक दे बानी अजीज मोहतरम मकाम जनाबी महर मोहम्मद नईम साहिब जनाबी मोहतरम मकाम महर मोहम्मद सलीम महर फहीम साहिब महर वसीम महर अख्तर और इन्होंने दीगर मुआविनीन चौधरी रिजवान जट साहिब अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ अल्लाह सारे दी हाजरी नूं कबूल फरमाए और जिन मरहूमी दे इसाले सवाब वास्ते इस महफल दे निकादे महर मोहम्मद इम्तियाज मरहूम साहिब जनाबी चौधरी दिलावर हुसैन साहिब अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे दरजात दी बुलंदी फरमाए। गिरामी कदर हजरात वक्त दी किल्लत ते मैं बात बिल तमहीद शुरू कर रहा हूं। भई मोहम्मद नईम साहिब मेरे नाल बड़ी तरीना और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दी मोहब्बत नूं कबूल फरमाए। मदीना तैयबा भी बेशतर मरतबा अलहम्दुलिल्लाह इन्हां नाल मुलाकात रहिंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस के अंदर जदों भी मैं हाजिर होया इन्हां बड़ियां मोहब्बतां दा उत्थे इजहार किया। रब ताला कबूल फरमा के अजर कसीर अता फरमाए। जनाबे मोहम्मद शमसुद्दीन साहिब ये भी हमेशा तो अरसा दराज तो तकरीबन 20 साल तो इन्हां दीआं मेरीआं मोहब्बतां अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा के उम्र खिजरी अता फरमाए और नवा पिंड दे नाल जिहड़ा मेरा ताल्लुक और रिश्ता और कुरब वो चूंकि खानदानी भी है और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ़ आसी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी अरसा इस गाँव के अंदर इमामत और खिताबत भी आपने फरमाई और बुजुर्ग सारे जान दिन उस हवाले नाल भी इस गाँव के नाल मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं रस्ते बच्चों दस रहा सा कि इतने बिल्कुल खुले मैदान और पैलियाँ आदियां सन जो मैं बचपन इतने आँदा सा हूँ तो माशाल्लाह बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ा खिता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक दे वेड़े दा सदका इन्हां वेड़िया ते बनेरियां ते डेरियां नूं इसे तरह हमेशा शाद ते आबाद रखे। अज भाई नईम साहिब साहिब नूं मैनूं फरमा रहे सन कि सानूं अज ओह प्यार सुनाओ जिहड़ा नबी करीम अपनी उम्मत नाल फरमांदे ने। उम्मत नूं ते नबी पाक नाल बड़ा प्यार है मगर जिहड़ा हजूर भी प्यार फरमांदे ने उहदी मिसल ते मिसाल नहीं है। अज ओह प्यार सुनाओ तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी हवाले नाल चंद गुज़ारिशां दर्ज करनी हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी। रब तआला ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम फरमाया तहकीक तुहाडे कोल ओ अज़मत वाले रसूल तशरीफ लेके आए मिन अनफुसिकुम जिहड़े तुहाडे विचों ने यानी कि ना जिन्नात विचों ते ना फरिश्तियां विचों फरमाए इंसानां विचों तशरीफ लेके आए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम फरमाया ये रसूल ने कि तुहाडा मुशक्कत च पैना तकलीफ च होना इस रसूल तो बर्दाश्त नहीं। हरीसुन अलैकुम किसी नु माल दी हिरस है किसी नु औलाद दी हिरस है किसी नु शोहरत दी हिरस है किसी नु हुसन दी हिरस है। खालिक ने इरशाद फरमाया हरीसुन अलैकुम फरमाया ये वो रसूल है जिन अपने गुलामा दी बख्शिश दी हिरस है। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम फरमाया मोमिनीन वास्ते रऊफ भी ने और रहीम भी ने। तो इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत नु भी बयान फरमा दिता तो उस प्यार का भी जिक्र फरमाया जिहड़ा हजूर अपनी उम्मत ना फरमा दे।
फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, यही मेरा उनवान है। फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे महबूब के गुलाम लोग को तकलीफ हो। इरशाद फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया नबी मोमिन दियां जाना तो भी औलाए, औला बमानी अकरम, फरमाया के औला बमानी करीब है कि नबी मोमिन दियां जाना तो भी करीब है। इंसान दुख आ जावे, तकलीफ आ जावे, अल्लाह ना करे परेशानी कोई अलम आ जावे, तो सब तो पहले इंसान की जान नु खबर होती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया नबी वो भी जो मोमिन दियां जाना तो भी करीब है। अल्लाह ईमान वाले नु तसली देना चाहता है कि ईमान वाले तेनू खबर बाद चुंदी है, मदीने तेरे दुख की खबर पहले हो जाती है, क्योंकि नबी मोमिन की जान तो भी ज्यादा करीब है। और यो रसूल है कि अगर उम्मती तकलीफ च हो, परेशानी च हो, अल्लाह फरमांदा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, अपनी उम्मत का अपने गुलामत का मुशक्कत पैना इस रसूल को बर्दाश्त नहीं। ग्रामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत ना प्यार उदू किया जो असि अज दुनिया से आए भी नहीं, असी दुनिया से अजे इंसान आया भी नहीं, तो हजूर उम्मत ना इंज प्यार कर रहे कि आलमे अरबा के अंदर जब रूहां की वंड हुई होगी तो अल्लाह ने फरमाया होगा कि आदम आ रूहां तुहाडे उम्मती हो गए, इब्राहिम आ रूह तेरिया, जकरिया आ रूह तेरिया, मूसा आ तेरिया, तो ईसा आ रूह तेरिया, असी मुकदरा ते नाद ना करिए, असी अजल दे दिहाड़े मुहम्मद की वंड बेच आए सा, यानी असी अजे दुनिया से आए नहीं तो सानू मुस्तफा की गुलामी च दे देता गया। अल्लाह ने कुरान मजीद फरमाया कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुसी बेहतरीन उम्मत हो, तुसी सारे नालों चंगे हो। या अल्लाह से किवें चंगे हो गए, केड़ी नेकी है जड़ी असा की पिछलियां उमतों ने नहीं की, वो केड़ा गुनाह जड़ा असी कर रहे हैं तो उन्होंने किया या उन्होंने किया तो असी नहीं कर रहे। उन उमतों ने एक गुनाह किया तो अल्लाह ने उन्होंने शक्ल बदल दतिया, असी सारे गुनाह कर रहे हैं जड़ा उन्ह उमतों ने अलहदा अलहदा किए, असी सारे कट्ठे कर रहे हैं। पर अल्लाह फरमांदा कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमा तुसी फिर भी चंगे हो। या अल्लाह चंगे किवें, फरमाया होए जो महबूब दे, इश्क दा कानून है कि यार दा यार भी यार होंदा है। फरमाया होए जो तुसे मेरे महबूब दे, पावे गंदे हो मंदे हो जिवें दे भी हो सोने लगदे हो, होए जो यार दे। असी क्यों ना अपने मुकदरा ते नाज करिए कि अल्लाह ने सानू अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी अता फरमाई, हजूर दा उम्मती बनाया। ग्रामी कदर हजरात आरिफां दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इहदा बड़ा ही मिठा जिहा रंग पेश फरमाया। मैं सब तो पहले तुहानूं हजरत पीरे बाहू दे दरबार ते छड्ड आवां भाई, नवें पिंड वालों मैं वाह वाह देना दे बाद बरके सालां दे बाद आया, मेरा ख्याल है आखिरी महफल तुहाडी ही कीती ते फिर दोबारा आया, दो साल बाद गालिबन को दो साल बाद हाजिर होया, ते दो साल तुसां को सुभान अल्लाह भी जोड़ के रखी होगी, वो सारी मैनू दे दो मैं नाल लै जावां। मैं अजे दो तकरीरां होर कर रही हैं, तीन तकरीरां टोटल मैं अज करनी हैं, सुबह भी मैं दिने तकरीर करनी है, रात फिर दो करनी है, कल सुबह भी तीन तकरीरां ने, तो अज मैं आगाज़ करन लगा हूँ तकरीरां दा, तो हूँ मैं बगे चक जाना, उतो फिर मैं हैड मनाले भी जाना है, तो कल फिर तीन करनी हैं, तो ये तुहाडी सुभान अल्लाह हुंदी है जिहड़ी मेरा गुजारा करा देंदी है रोज़ाना। जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह, जिहड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली फड़ के चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना ते शम्म साहब तुसी आमीन कहो फिर कबूल हो जाए, अल्लाह ताला ओ जिहड़ा उच्चा बोले उन्हों इस साल अपनी अम्मी नाल हज दी तौफीक अता फरमा, हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले रमज़ान शरीफ च अपने अबू नाल उमरा करके आवे, हाथ चुक के जिहड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब च कमली वाला आवे, ते तेरा की जाता जरा इस तू तो उच्चा बोलो ना अच जागद माफले चो सोने का दीदार करा दे।
माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ सुखी साहब बैठे ने ये हर जुमा पढ़ने वास्ते माशाल्लाह मेरे को जानते हैं और मैं इतने वेख के हैरान हो सामने भी नौजवान बैठो भी जुमा पढ़ जाते हैं मास्टर साहब के नाल तो इन्हें सारे कहना कि अपने बंद को नहीं सुबहान अल्लाह करवा दो तो साढ़े नवे पिंड वाले थोड़े को बोलो ही नहीं हैरत एडा पुराना पिंड पर अजे भी नवा ही है माशाल्लाह अल्लाह ताला तुहानू इंज नवा ही रखे भाई हमेशा वसदे रहो हमेशा आरफा दे सुल्तान ने फरमाया पे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी कहना भारा नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हू हद बे हद दुरूद नबी ते जे दाएं पसारा हू मैं कुर्बान हो जिन्ना मिलिया नबी सहारा इस बात नु समझना ते आसान मिसाल दे किरद करा के मैं की बयान कीते सवेरे किसी फ्रूट वाली दुकान ते दो चार घड़ियां बैठे जे ते वेख्या जे को गाहक इंज दा भी आउंदा जिहड़ा दुकानदार नु कहे कि पैसे पूरे लै लो ते आ जिहड़ा गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट ये मैनू दे दिओ कोई आवेगा कदे भी नहीं असी ते दस दर्जन केले लै लईए ना ते दुकानदार विच एक गलिया केला पा देवे ते असी उह केला दुकानदार नूं वापस करके कहने पैसे पूरे दिते ने सौदा खरा लैणा है यार तू ते मैं दस दर्जन केलिया च एक गलिया केला कबूल ना करिए फिर उहदी अदमत तों सदके ना जावां जिन्ने तेरे मेरे वर्गे सारे गले साढ़े चौली पा ले ने ते आख्या गंदे मंदे मैनूं दे दे मैं करम की निगाह करके इन्हों ने जिदा बना देव गा के नबी भी इन्हें शामिल हो दिया दुआव ही करे अल्लाह ने फरमाया मैं महबूब ही तुहानू वह अदा कर दिता इरामी कदर हजरात पीरे बाहू फरमाद ने नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हू मैं कुरबान उन्हों तू बाहू जिन्ना मिलया नबी सुहारा हू अल्लाह ने अजल के दिहाड़े कलम नू फरमाया तकदीर लिख अल्लाह ने कुरान च फरमाया अल्लामा बिल कलम फरमाया असा इंसान नु कलम दे जरिए इलम सिखाया इस वास्ते साडे असलाफ ते बुजुर्ग कलम की बड़ी कदर करते सन और कागज की बड़ी कदर करते सन क्योंकि एदे जरिए इंसान नु अल्लाह ने इलम सिखाया अल्लाह ने कलम नु फरमाया तकदीर लिख कलम जब लोहे महफूज ते लिखन लगी ना ते अर्ज कर दी अल्लाह लिखना की है अल्लाह ने फरमाया पहले आदम अलैहि सलाम दी उम्मत दा मुकद्दर ते कानून लिख या अल्लाह इन्हां दा कानून की है खालिक ने फरमाया कानून ए वे कि जिहड़ा आदम दा उम्मती नेकियां करेगा वह जन्नत च जाएगा तो जिहड़ा गुनाह करेगा दोज़ख च जाएगा कलम ने लिख के अर्ज की अल्लाह अगे की लिखा अल्लाह ने फरमाया अगे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दी उम्मत दा कानून लिख या अल्लाह इस उम्मत दा कानून की है फरमाया कानून पुराना ही है नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जावणगे कलम ने लिख के अर्ज की अगे की लिखा अल्लाह ने फरमा हुन हजरत ज़करिया अलैहि सलाम की उम्मत का कानून लिख या अल्लाह इन्हां दा कानून की है फरमा कानून पुराना ही है नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जावणगे कलम ने लिख के अर्ज की अगे की लिखा फरमा हजरत दाऊद अलैहि सलाम की उम्मत का कानून लिख या अल्लाह इन्हां दा कानून की फरमा कानून पुराना ही है नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे कलम ने अर्ज की थी अल्लाह के की लिखा फरमा मूसा अलैहि सलाम दी उम्मत दा कानून लिख अर्ज की थी अल्लाह इस उम्मत दा कानून की है फरमा कानून पुराना ही है नेक जन्नत च जानगे गुनाहगार दोज़ख च जानगे कलम ने अर्ज की थी अल्लाह अगे की लिखा अल्लाह ने फरमा ईसा दी उम्मत दा कानून लिख अर्ज की थी अल्लाह इस उम्मत दा कानून की है फरमा कानून पुराना ही है नेक जन्नत च जानगे गुनाहगार दोज़ख च जानगे कलम ने लिख अर्ज की थी अगे की लिखा फरमा उन आखिरी नबी मुहम्मद दी उम्मत दा कानून लिख 1,24,000 नबियां दी उम्मत दा कानून लिखया कलम
हर बार पुछदी रही, पर जदों नबी आखरी दीवारी आई कलम ने पुछया ही नहीं, आप ही लिखन लगी। अल्लाह ने फरमानी कलमे ठहर जा की लिखन लगी है। अर्ज कर दिए या अल्लाह तू कानून बदलता ही नहीं, मैं पुराना कानून ही लिखन लगी हां। अल्लाह ने फरमा ठहर जा इथे कानून बदलना है। अर्ज कर दिया लकी लिखा, फरमाया लिख उम्मत गुनागार है रब बख्शन हार, पता चलिया रब तेरे मेरे वाल नहीं पिया वेखदा। इते यार दी मेहरबानी है ना, क्योंकि यार दा यार भी यार होंदा है। मियां मुहम्मद बख्श ते इत्थे कलम ही तोड़ के रख दिता ना, लै चलना मियां साहब दे दरबार ते। तुसीं नहीं बोले नहीं ते लै मैं जाणा सी, अजे मस्त ना हो, अजे मैं शुरू हो रहा, अजे ते मौजू शुरू हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उच्चा अपना भी ते नाल दिता भी हाथ चुको तो जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आर बे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वाह करीम वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा ए जिब्राइल जय जिस चा कर दे नबिया दा सर कर दा वाह करीम उम्मत दा वाली। वाह करीम उम्मत दा वाली ऐसा वाली। एक दिन अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम तौरात दी तिलावत कर रहे, तिलावत कर दे अचानक एक उम्मत दा जिक्र आया। मूसा अलैहि सलाम दी उम्मत दा कानून ते ज़ाबता ए सी कि मूसा अलैहि सलाम दा उम्मती अगर रात नूं छुप के गुनाह कर दे ते सुबह उसके दरवाजे ते लिखा होंदा सी कुदरत वालों के इन्हें रात नूं छुप के फलां गुनाह कीता, या उसकी पेशानी ते लिखा जाता सी कि इन्हें रात छुप के गुनाह कीते। सारे जमाने नूं खबर हो जानी उस उम्मत का कानून ये लिखा कि उन्होंने जाहिर गुनाह करने ने ते रब ने परदे पाई जाने। अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया ते अर्ज की अल्लाह आ उम्मत कदे मैनूं दे देना। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, इत्थे मेरे यार दे गुलाम ने। अच्छा अल्लाह दे नबी ने इस तरह करके तौरात दा वर्क उल्टिया ना, तो उत्थे एक होर उम्मत दा कानून लिखा ते उहदी शान लिखी। हजरत मूसा अलैहि सलाम दी उम्मत दा कानून ये सी कि उन्होंने अगर सदका देना होंदा सदका ते हुक्म इवें कि खुले मैदान च रख के आओ, आसमान तो एक बिजली ने आना तो या तो सदके नु जला देना या नाल लै जाना, तो जमाने नु खबर हो जानी कि इहदा सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया। और अगर कबूल नहीं तो उस सदका उत्थे ही खेत च मैदान च गल सड़ जांदा है, सारे जमाने नु खबर हो जाती कि इहदा सदका अल्लाह ने कबूल नहीं किया। मगर उस उम्मत दा कानून ने लिखे है कि सदका देना है ते अमीर गरीबा नु दियो ते आपस च दे के खाई पी भी जाओ कबूल ही कबूल है। अर्ज की अल्लाह चल फिर मैनू आ उम्मत दे दे। अल्लाह पर मैं किवें दे देवां, इह ते मेरे यार दे ने। अच्छा अल्लाह दे नबी ने बरक उल्टिया, हजरत मूसा अलैहि सलाम की उम्मत का कानून यह कि जो कमाई करे वो अपनी कमाई का चौथा हिस्सा यानी 100 विचों 25 रुपए जकात अदा करे। मगर उस उम्मत का कानून लिखा कि अपनी कमाई चो 40वां हिस्सा यानी 100 चो 2.5 रुपए जकात, 100 चो 25 रुपए ए 2.5 रुपए। अर्ज की अल्लाह फिर आ उम्मत मैनू दे दे, बड़ी आसानी वाली है। अल्लाह फरमाया मेरे यार दे ने, सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। अज मैं तुहानू तुहाडी ही शान सुना रहा भाई, कौन है दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बरक उल्टिया, उत्थे एक होर उम्मत का कानून लिखिया ते उहदी शान लिखी। मूसा कलीम अलैहि सलाम की उम्मत का कानून यह सी कि अगर जिसम पलीद हो जाए या कपड़ा पलीद हो जाए, जिसम का टुकड़ा या कपड़ा कट के उन्हें जला दो तो फिर पा के
मगर उस उम्मत का कानून ने लिखा कि अगर जिसम का टुकड़ा या कपड़ा पलीद हो जाए पानी बहा दो पाक ही पाक आखे बड़ी आसानी है तर्द की अल्लाह आमत मैनु दे दे अल्लाह पर मैं किमें दे दे अभी भी मेरे यार देने आखे अच्छा आपने फिर बल्कि उल्टिया फिर उम्मत की शान लिखी क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम दी उम्मत का कानून ऐसी कि अगर किसी गुनाहगार ने तौबा करनी है तो उन्होंने वास्ते हुक्म ऐसी कि एक गुनाहगार दूसरे नु कतल करे तो रब उन्होंने फिर माफी देवेगा तो उस उम्मत का कानून की लिखी है कि अगर कद गुनाह के बाद तौबा दी दिल करे ना तो बस छुप के कमरे च सजदे च सिर रखना है एक बारी तरला करना माफी दे दे माफी माफी है आखे चल यार मैनू या अल्लाह आ आ आमत मैनू दे दे अल्लाह फरमा कि मैं दे देवा ये तो मेरे यार देने आख्या ये भी नहीं देने हुण हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने वर्क उल्टिया उत्थे एक होर उम्मत की शान लिखी है हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम की उम्मत वास्ते कानून ऐसी हर एक कानून वखरा ते सख्त तो सख्त तर अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने वेखिया कि मूसा अलैहि सलाम दी कुम्मत वास्ते कानून है अगर गुनाह हो जाए तौबा दा दिल करे अल्लाह फरमांदा बड़े बड़े जुर्माने करांगा उन्हां वास्ते लिखे अगर गुनाह हो जाए ते इंज करे के दूसरे दियां जानां नूं कतल करो कपड़ा पलीद हो जे उन्हों जला दियो फिर पाक करांगा उस उम्मत दा कानून है वे सजदे च तौबा करे ते माफी मिल जाएगी अर्ज कीती अल्लाह उम्मत मैनू दे दे अल्लाह ने फरमा कि मैं दे दवां मेरे यार दे गुलाम ने हजरत मूसा ने तौरात बंद कीती अर्ज कीती अल्लाह इतने पढ़े लिखे नवा पिंड दे नौजवान मैनू सच्ची दसो ईमानदारी नब्दुरग भी बैठे हो मैं तो तुसा दुआ कीती सी मुहम्मद या रबी का गुलाम बनाई नहीं ना अच्छा नबी करन दुआवां ते असी दुआ भी नहीं कीती ते फिर भी सोने दे गुलाम असी अपने मुकदरां ते किन्ना गुनाह करिए थे ते नबी दुआवां कर दे अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मुहम्मद या अल्लाह मुहम्मद दा उम्मती बना दे यार उस नबी ने मेरे तेरे नाल किन्ना को प्यार किया होगा कि जो कौनैन दे वाली दुनिया ते आए ना मां की गोदी चाहे तो लब पे हिलते सन कन ला के सुनिया ना ते आवाज ही उम्मती मेराज ते गए जिन्नी बार रब ने पूछा जो दिल करदा जे मंग लो उन्नी बार आख्या उम्मती कदे यारां विच ते कदे गारां विच उम्मती ते आखरी वेले जो कबर च रखिया गया हजरत कुसम बिन अब्बास मेरे नबी दे चचा हजरत अब्बास दे बेटे आ फरमाते ने मैं आखिरी बंदा जो नबी करीम नु कबर अनवर च रख के ते बाहर निकलिया आ फरमाते ने जो हजूर दी कबर अनवर च निकलन लगा तो मैं ख्याल आया फिर तो यार दी दीद नहीं होनी एक बार आखिरी बार यार दी दीद ना कर लवा फरमाते मैं दोबारा नबी पाक की कबर च उतर गया सरकार दे रुखे अनवर तो मैं कपड़ा हटा के वेख्या हजूर दे लब हिलदे सन मैं कन ला के सुनिया ते आवाज आई उम्मती कमली वाला आवे ते उम्मती जावे ते उम्मती गारां च उम्मती यारां च उम्मती रब दी बारगाह च जावे ते उम्मती उस महबूब दा अपने ना प्यार ते वेखिए क्या प्यार मैं ना जपड़िया करना कदी मंगियां दुआवां सियारां दे विच कदी रोंदा रिया जाके गारां दे विच कदी मंगिया दुआवां सियारां दे विच कदी रोंदा रिया जा के गारां दे विच जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा साडी बख्शिश लई रब नू बनी इसराइल मछलियां पकड़ दे सन अल्लाह कुरान मजीद दे जदों भी बनी इसराइल नूं पुकारे ना फरमाया बनी इसराइल इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दा नाम है हजरत यूसुफ दे अबू जान
कौमे बनी इसराइल नू हजरत यकूब दे नाम ना पुकारिया जांदा सी, या बनी इसराइल, ओ इसराइल दे पुत्रो। जदों आई ना मेरी तुहाडी वारी ते सानू अल्लाह करीम ने कुरान मजीद 86 मरतबा फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु। अच्छा गौर करो, कुजा किसी नू कहना फलाने दे पुत्रा, फलाने दे पुत्रा है, ये भी बुलामन दा ते मुखातब करन दा अंदाज है। कुजा के सुन कहना ओ ईमान वाले हो, और फिर एक दो मरतबा नहीं 86 मरतबा सानू या अय्युहल्लज़ीन आमनु पे किया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे पिछलियां उम्मतां दे नबियां नू अल्लाह करीम फरमांदा सी या अय्युहल्लज़ीन आमनु, और उम्मतां नू अल्लाह करीम फरमांदा सी या अय्युहल मसाकीन, ओ मिसकीनो। उन्होंने कहना या अय्युहल मसाकीन, ते सानू उस लकब नाल पुकारिया रब ने जिस लकब ना पिछले नबियों नू पुकारिया। अच्छा ते दुनिया ते मेरा तुहाडा लकब है ना, उलमा फरमांदे ने कयामत दे दिन भी सानू सारे जो अलहदा ही रखिया जाएगा, जेड़ी उम्मत आवेगी उन्होंने पुकार के किया जाएगा, मुनादी कराई जाएगी या उम्मत आदम आओ ते अपना हिसाब दियो, या उम्मत इब्राहिम आओ हिसाब दियो, या उम्मत जकरिया आओ अपना हिसाब दियो, या उम्मत मूसा ईसा आओ अपना हिसाब दियो। हर उम्मत नो दे नबी दे नाम ना पुकारिया जाएगा, मगर जदों क्यामत नो आवेगी ना साड़ी वारी ते माशर दे मैदान च ऐलान करवाया जाएगा या औलिया ई, ओ मेरे यारो आओ हिसाब दियो, नवा पिंड वाले जरा हो गई यार वो हिसाब का दे करने भाई, जरा हो गई यार वो हिसाब का दे करने, वो आवाज दे के दस दिता जाएगा तसली रखो असि तुहानू कुछ नहीं कहते। पिछली उम्मत ते अजाब ते नबी अजे बिच मौजूद ने ते अजाब आ जाते, जो आई साड़ी वारी अमर्ज करा या बनी इसराइल। बनी इसराइल मछलियां पकड़ते सन, मछेरे सन, अल्लाह ने फरमा के हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां, छुट्टी करनी है हफ्ते दे दिन का अदब करना। अल्लाह ने मुसलमानों ने जुमा, यहूदियों ने हफ्ता, ईसाइयों ने इतवार का दिन अता किया। साढ़े वास्ते जिम्मे जुमा मुहतरम है, ईसाइयों वास्ते इतवार, यहूदियों वास्ते हफ्ता मुहतरम है। नबी करीम ने फरमा जुमा मेरे मुसलमानों की ईद का दिन है। अल्लाह ने फरमा के हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां, छुट्टी करनी है, अदब करना है। उधर मछलियां नू हुक्म दिता कि तुसां दरिया च जाना भी हफ्ते वाले दिन। मुफ्ती अहमद यार खानेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि वो जड़ी मछली के पेट च अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैह सलाम 40 दिन रहे ना, हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली की ज़ियारत ले आउंदियां सन। अल्लाह फरमाया इन्हां दिनों नहीं पकड़ना क्योंकि ये ज़ियारत ले आउंदियां ने। जरा तवज्जो नाल गल सुनिया, जे इन्हां नूं नहीं पकड़ना ये ज़ियारत ले आउंदियां ने। जिहड़ी मछली दे पेट च 40 दिन रब दा नबी यूनुस रवे, मछलियां उहदी ज़ियारत ले आउंदियां, ते जिहड़ी मां दे शिकम च 9 महीने कमली वाला वस के आया होवे, ओह फरिश्ते उस मां दी ज़ियारत ले नहीं आउंदे होवणगे। नौजवानों मछलियां नू नहीं पकड़ना क्योंकि ये ज़ियारत लई आउंदियां ने। पता चलिया असी दाता साहब एवें नहीं जाते, सानू पता है वह बच जाता है जिहड़ा ज़ियारत लई जाता है। बे मुर्शद नू की गल समझ आउणी, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। आदम अलैहि सलाम जदों जमीन ते आए ना ते सारी मखलूकात ज़ियारत करन आईआं, जानवर भी आए, जंगल के जानवर हिरन आए ना, हिरनिया का टोलिया टोला गुजर रहा, तो हदला के नबी की ज़ियारत ले आ गया। आपने शफकत ना उन्होंने कंड से हाथ फेरे, जेड़े जेड़े हिरनी के हाथ से आपने हाथ फेरे ना कंड से, नाफ च मुश्क कस्तूरी पैदा हो गई, उस कस्तूरी की खुशबू आवन लग पे। वो हिरन जदों अपने जंगल के टोले में गए तो उन्होंने हिरना ने बाकिया ने पूछा थोड़े चो खुशबू क्यों आ रही, उन्होंने आख्या हजरत आदम की ज़ियारत ले गए सा, वो रब के नबी ने कंड से हाथ फेरे तो साड़ी नाफ च कस्तूरी पैदा हो गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने कि अज भी चूके कस्तूरी हिरन की नाफ चो निकलती है, हिरन की नाफ की मैल है जिन्होंने कस्तूरी कहते हैं, दुनिया की महंगी तरीन खुशबू। पर मौलाना रूह फरमाते ने हिरनी सारी जिंदगी खुशबू अपने विचू सूंघती है, मगर ढूंढ दी बाहर फिर दी है कितों आ रही।
अल्लाह भी फरमांदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह फरमांदा बंदिया वसदा मैं तेरे विचा ते ढूंढदा तू मैनू बाहर रहना, वसदा मैं तेरे विच। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हूं। जिमें हिरन की नाफ च कस्तूरी है ना, इंज ना फरमादा वा नहनु अकरब इलैहि मिन हबलिल वरीद, अल्लाह फरमादा मैं भी तेरी शारग तू नेड़े वासना, कदे अंदर जाती थे मार। वह हिरन जो बाकी हिरन च गए थे उन्हें आख्या तुहाडे चो खुशबू क्यों आती, उन्हें आख्या आदम अलैहि सलाम ने हाथ फेरिया वह भी आए, आपने उन्होंने भी हाथ फेरिया पर उन्हें चो खुशबू ना आई, उन्हें जाके बाकियों ने पूछा तुहाडे चो खुशबू आई साडे चो क्यों नहीं आई, उन्हें आख्या तुसी खुशबू लैन गए सो असी ज़ियारत करन गए सां। आ फर्क हुंदा ज़ियारत वाले दा, असी एवें नहीं अल्लाह वाले दी बारगाह च जांदे। अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम से अजाब आना सी, ते आपने अर्ज की अल्लाह आ जिहड़े मेरे उम्मती ने इन्हां दा की बनेगा, अल्लाह फरमा इन्हां नूं खड़ा करके ना इन्हां दे इर्द गिर्द एक लकीर लगा दिओ, एक दायरा हिसार कर दिओ। हवा का अजाब ते आंधी ते तूफान का अजाब आया, इन्नी तेज हवा चली के काफिर हवा नाल उड़ के पहाड़ां नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर जिहड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना नवा पिंड वाले वो इस तरह करके ना अपने मथे का पसीना पे साफ करते, नहीं समझे दायरे दे बाहर इतनी तेज हवा है कि काफिर उड़ के पहाड़ों ना टकरा के टुकड़े हो गए, मगर इतनी तेज हवा उन्होंने मथे का पसीना भी ना सुका सकी जिहड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ने। इस वास्ते जाने असीं अल्लाह वाले को ही बचदा जिहड़ा इन्हां दे दायरिआं दे विच आ जाए, जिहड़ा इन्हां दे दायरे च आ जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक अल्लाह वाले सन वह बकरियां चारदे सन जंगल, जुमे की अजान की आवाज आनी दूर किसी बस्ती तो उन्हें बकरियां कट्ठिया करके ना उन्हें बकरियां के इर्द गिर्द दायरा लगा के जुमा पढ़ने चले जाना, जब जुमा पढ़ के वापस आना तो शेर दायरे के बाहर बैठा है ते बकरियां अंदर, ना शेर अंदर जा रहा है ना बकरी बाहर आ रही है। आ फरमाते ने अल्लाह दे वली दे कोल जावन दा आ ही ते मजा आउंदा कि मुरीद दे इर्द गिर्द वली अपनी तरीकत दा हिसार बना देंदा है, ना शैतान गुनाह करान अंदर आ सकदा है ते ना नफ्स गुनाह करान बाहर लैके जा सकदा है। इहनू कहंदे ने मुर्शिद दी दात। तो इस वास्ते असीं अल्लाह वाले दी बारगाह च जाने हां कि अल्लाह वाले अपने मुरीद दे इर्द गिर्द हिसार कायम कर देंदे ने, उहदे कोल गुनाह नहीं हो सकदा, फिर गुनाह नहीं हो सकदा। लै चला पीरे बाहू के दरबार से सुनी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह, हाथ वो खड़ा करदा जिन्हों पता हो मैं जिंदा भी हाँ तो जागदा भी हाँ, मैं सरकार के जूंदे जागते दीवाने ना गल कर रहा, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अरबां दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा हो जड़ा धोबी वागन छठे ओ मैल थी कर दे चिट्टा खिच जरा मैल ना रखे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे हूँ जम जम जीवे ओ मुर्शिद बाहू जेड़ा लूनो दे बिच वैसे। जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लूनो दे बिच वसे हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़नियां क्योंकि ज़ियारत ली आउंदियां। बनी इसराइल जब सुबह सुबह दरिया के किनारे गए तो वेख्या इनियां मछलियां तो पकड़नियां भी नहीं, मछेरियां दे दिल डोल गए। सियाणियां मशवरा दिता कि इंज करो दरिया च छोटियां छोटियां नालियां बना के ते अपने घर तक ले आओ, अपने घर के सहने च हाउस बना लो टैंकियां बना लो, हफ्ते वाले दिन मछलियां इन नालियां के जरिए तुहाडे हाउस तक आ जाएगियां, हाउस भर जाएंगे टैंकियां भर जाएंगियां, इतवार नो पकड़ लिया जाए।
एन ही इस तरह होया। हफ्ते वाले दिन मछलियां उन्हें नालियां के जरिए उन्होंने घर तक आ गई, टैंकियां हौज भर गए। यहूदी बड़े राजी कि असा हफ्ते का अदब भी कर लिया, टैंकियां भी भर लिया, इतवार को पकड़ भी लवेंगे, दिहाड़ी भी चंगी लग जाएगी। मगर जो ही इतवार का दिन तलू होया ना भाई नईम साहिब, वो जड़िया मछलियां रब के हुक्म इधर आईया सन उस रब के हुक्म वापस जा रही, टैंकियां खाली हो गई। अल्लाह की कुदरत नु जलाल आ गया कि ना मेरी हुक्म अधूरी की थी, मेरी गल नहीं मनी। अल्लाह ने रिजा फरमा कोनो की राजा दला खासी परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जो, यहूदियां दियां शक्लां भी गड़ गईयां, कुछ बंदर बन गए कुछ खिनजीर बन गए। नौजवान नवा पिंड दे रहन वाले जद शाम नु कम तू घरे आ जांदे हो, अपने कमरे दियां इने सामने अखियां बंद करके खलो जाया करो, नले सोचिया करो मैं बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, मैं बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना, सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख, जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मुहम्मद की गुलामी ते नाज कर, क्योंकि रब तेरे वल नहीं पिया वेखदा, इत यार नु यार दा मुंह पिया वारदा। पढ़े लिखे नौजवान उन्होंने चिर मछलियां पकड़लियां, रब ने बंदर बना दिते। इत्थे दुध विच पानी पाई जा रहे, सूद खाधी जा रहे, रिश्वत दिती जा रहे ते लई जा रहे, बेगाने माल नूं अपना समझ के खाई जा रहे, पर शक्लां नहीं बिगड़दियां। क्यों? फिर कमली वाले का करम नहीं तो होर की, शक्ल नहीं बिगड़, सारे गुनाह करके भी शक्ल नहीं बिगड़ती। एक करम मुस्तफा का, रब तेरे मेरे वाल नहीं पिया वेखदा, वो यार वाल पिया वेखदा ही, सोने का करम। अबू जाल मिलिया मेरे नबी नु मक्के की गली बेच, कह लगा मुहम्मद तू नबी है? फरमा जी। कह लगा सच्चा? फरमा सच्चा। इतना जालिम इंसान के कह लगा मुहम्मद तू सच्चा नबी है ना, मैं तेन फिर भी नहीं मानता। इंज कर जे सच्चा नबी है ते अज अपने रब ना गल करते, रब नु कह के मेरे ते पत्थरां दी बारिश करे। कह लगा जे सच्चा नबी है ना ते अज मैनु इंज करके अपने रब नु कह मेरे ते अजाब नजल करे। इंज मेरे नबी वेख्या आख्या कहिंदा पत्थरां दी बारिश करवा, पिछलियां कौमां अजाब मंगे भी नहीं आ गए, ये मंग रहे ने आउंदे नहीं। कह लगा जे पत्थरां दी बारिश करवा, अज करवा मेरे ते पत्थरां। मेरे नबी अंज वेख के अर्ज की ख्याल है जी की इरादा मेरे मौला? ख्याल ते रब पा के ना आखे इरादा की है? पढ़ा कुरान की जवाब आया यार, बेमुर्शदा चुप रहे, मुर्शद वाला तो बोले सुभान अल्लाह, जिन्होंने नाज आउंदे ना बिचो बिचो के शुक्र मैं नबी पाक दा गुलाम हां, वह बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया फामतिर अलैना हिजारत मिन समाई अभी अतिना भी अजाब अलीम वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहु तफीहिम। अल्लाह ने रिजा फरमाया माहौल दाल देने ना वाले आओ, इदियां करदूतां दे जने दे ते मैं पत्थरां दी बारिश कर देवां, इदे ते मैं अजाब अलीम नाजल फरमा देवां। फरमाया वा मैं कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम तफीहिम। अल्लाह ने फरमा कमली वाले इदियां करदूतां वेखा के तेरे वाल वेखा। फरमाया सुने मक्के च बसदा भी तू ही मैं, पत्थरां दी बारिश भी आ जाए तेरी रहमत दी चादर ते दाग लग जाना, तेरी रहमत दी चिट्टी चादर ते दाग किवें ला देवां। कमली वाले हुण असां इहदियां करतूतां ते नहीं ना वेखणियां,
असा ते माहिया तेरे वल वेखना है। फरमाया मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, सोनिया वसदा तू होवें ते अजाब भी आ जाने। पता चलिया पिछलियां कौमां अजाब मंगदियां नहीं फिर भी आ जांदे, ए मंगदे फिर भी नहीं आंदे, एक करम ही मुस्तफा दा। इन्ने गुनाहों के बावजूद अजाब नहीं आ रहे, शकलां नहीं बिगड़दियां, ये माफिया नालों नाल मिलदियां जा रही। जदों कौनैन दिवाली का आखिरी वेला ना ज़ाहरी हयात का, तो मेरे आका वेख्या जबरील दरवाजे च खड़े। हजूर फरमा जबरील किधर आयो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आ। तो अल्लाह फरमाता महबूब की हाल है? अच्छा जरा इस जुमले से तवज्जो करो, रब फरमा रहा की हाल है? दुनियादार एक दूसरे ने पूछ लें की हाल है, कद रब ने भी किसी पूछा तेरा की हाल है? क्यों? हाल तो वह पुछता जिन्होंने पता ना हो, उन्होंने सारे दे हाल का पता है। आखे याला तेनों की लोड़ है तू किसे दा हाल पूछे? फरमाया यार यारानों पूछ देने की हाल, यार ते यारानों पूछ देने की हाल है। अच्छा इंज करो किसे महबूब वाले को पूछो, जो को महबूब पूछे की हाल है। यार दा मैसेज ना ना पे जैद वाले को 5 रुपए उधारे लैके तुम आप ही मैसेज कर दियो कि मैं मैसेज क्यों नहीं किया, मेरा हाल क्यों नहीं पूछे? अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे? जो महबूब पूछन की हाल है। अल्लाह के नबी अयूब अलैहि सलाम 18 साल बीमार रहे, 18 साल के बाद शिफा मिली। तो एक दिन जबरील पूछा की हाल है? फरमाते ने मंदा ही हाल है। आख्या 18 साल के बाद शिफा मिली है, तो फरमाते हो हाल मंदा है? फरमाते ने बीमारी चंगी से रब पूछता सी की हाल है, रब पूछता सी की हाल है। वो जड़ा लुत्फ रब दे हाल पूछन से ना, वह शिफा वेच नहीं, छेती बौड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई। गिरामिया कदर हजरात, जबरील आके पूछते ने अल्लाह फरमांदा की हाल है? मेरे आका अगू परेशान थे, आपने फरमा मैं बड़ा दुखी हूँ। अल्लाह फरमा जबरील मेरे महबूब नु कह दियो, जे तुहानू जिंदगी दी लोड़े ते अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिंदगी भी मैं बनाई ते मौत भी मैं आप बनाई, ते असी जिंदगी लंबी कर लैने, असा किड़ी किधर लैन जानी है? ते महबूबा जिंदगी लंबी कर लैने। नबी पाक ने अर्ज की, मौला मैं जिंदगी लंबी नहीं चाहता, मैं आप तेरे नाल मुलाकात करना चाहना। अल्लाह फरमा सोने फिर दुखी क्यों है? आख्या मैं कोई अपने तो दुखी तो नहीं ना, मैं तो इन्हों गुलामा तो दुखी हाँ, मैं इन्हों के मौजूद हाँ, तो अजाब नहीं आते। तो जो मैं टुर गया तो किधरे शक्ल ना बिगड़ जा, मैं तो तेरी बारगाह च आना चाहना, पर मेरे नाल पहले सौदा कर, मेरे बाद मेरे गुलामा नाल की करेगा? कद गौर किया जो अल्लाह ना करे माँ का आखिरी वेला हो, तो माँ की आखिरी तमन्ना पता की होंगी? मेरे पुत्रां नूं बुला लो, आखिरी वेला हो तो दिल कर दिया मैं चाहती मां वेख के जाव, बहन का दिल कर दिया वीर सामने हो, वीर का दिल कर दिया बहन, यार का दिल कर दिया यार सामने हो। सानू आखिरी वेले अपन का ख्याल आता, एक ही महबूब है जिन्हों आखिरी वेले भी तेरा मेरा ख्याल प्या सदा आता है। आख्या मेरे गुलामा का मेरे बाद की बनेगा? इमाम इब्ने कसीर ने लिखा कि अल्लाह ने फरमाया महबूब तुसी दुखी ना होवो, तो असी इंज कर लैने कि जिहड़ा तेरा गुलाम मरण तो 1 साल पहले तौबा करेगा ना, मैं उहदी सारी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देवांगा। कमली वाले अर्ज की, या अल्लाह एक आधा सौदा होया साल पहले किन्नू पता लगना मैं मर जाना, कौन तौबा करेगा? अर्ज की या अल्लाह तू इन्हां वल ना वेखते मेरे वल वेखते, सौदा थोड़ा जा सस्ता कर दे। अल्लाह फरमा माहिया तू दुखी ना हो, तो असी सौदा इंज कर लेने जिहड़ा मरण तो 1 महीना पहले तौबा करेगा ना, मैं उहदी जिंदगी दे 80, 90, 100 साल के गुनाह ही माफ कर देवांगा। अस कीती अल्लाह महीना पहले भी किन्नू पता लगना, तो थोड़ा जा सस्ता नहीं कर लेंगे? अल्लाह फरमा सोने तू दुखी ना होवी, तो 1 हफ्ता पहले जो तौबा करे उन्हों भी माफी। अर्ज की अल्लाह हफ्ता पहले भी किसी को नहीं पता लगना मैं मर जाना, तो थोड़ा जा मामला होर नहीं नरम कर लेंगे? अल्लाह ने फरमा कमली वाले दुखी ना हो, जेड़ा मरद 1 दिन पहले तौबा करेगा
सारी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देवांगा। अर्ज की थी अल्लाह थोड़ा जा मामला हो नरम कर दे। अल्लाह फरमा कमली वालिया जेड़ा मर्द एक घड़ी पहले तौबा करेगा ओदी हयाती दे भी गुनाह माफ कर देवांगा। अर्ज की थी अल्लाह थोड़ा जा सस्ता होर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया माजा देने ना वाले दुखी ना होवे। कमली वाले कर इंज लेने अद्धी रूह निकल जावे अद्धी बाकी रह जाए। अखियां बंद हो जान जुबान बंद हो जाए। उस वेले तेरा गुलाम दिल च शर्मिंदा ही हो जाए। मैं उदू ही माफ कर दे। असी 90-100 साल दे गुनाह ते एक दिल दी शर्मिंदगी ते माफी। पर गल सुन के तड़प जाओगे मेरे नबी अगो अर्ज कीती मैनू ए भी नहीं कबूल। अल्लाह फरमा सोने उन पिछे की रह गया। अद्धी रूह निकल जावे अद्धी बाकी रह जावे। अखियां जुबान बंद हो गए ते सारी जिंदगी दे गुनाहां दी एक शर्मिंदगी ते माफी पिया देना। कमली वाले को अर्ज की थी अल्लाह कदे वह भी तो आने ने ना कियामत नूं जिन्ना बगैर शर्मिंदगी दे हो जाना ते उन्हां मिसकीना दा की बनेगा। अल्लाह फरमा सोने दुखी तू ना हो। असी इंज कर लैने ना अद्धी रूह निकल जावे अद्धी बाकी रह जाए। जबान ते अखियां बंद हो जाना दिल च शर्मिंदा हो जाए उन्हों ते मैं माफ कर देवांगा। ते जिहड़ा कियामत नूं बगैर शर्मिंदगी दे आ गया सिफारिश कर देवी मैं उन्हों भी माफ कर देवांगा। तू शफात कर देवी ते सिफारिश कर देवी मैं माफ कर देवांगा। याद रखियो नवा पिंड वाले वकील होर हुंदा है ते शफी होर हुंदा है। कमली वाले साढ़े वकील नहीं शफी ने शफात करन वाले। क्योंकि वकील अदालत जज दे सामने अपने मौकल नूं पेश करके कहिंदा जी आ जिहड़ा मेरा मौकल है ना इन्हें गुनाह नहीं किया मैं साबित करना नहीं किया और साबित कर देंदा झूठियां गवाहियां नाल भी कर देंदा झूठियां कसमां नाल भी साबित कर देंदा इन्हें गुनाह नहीं किया लिहाजा इन्हें छोड़ दे गुनाह नहीं किया। जिहड़ा वकील होंदा वह कहिंदा मेरे मौकल ने गुनाह नहीं किया इन्हों माफ़ करो। तो जिहड़ा शफी होंदा ना वह कहिंदा आया इन्हें किया पर इहदे वल ना वेखो मेरे वल वेखो तो माफ़ी दिओ। हजूर वकील नहीं हजूर शफी ने। सरकार ने अर्ज करनी है ना किया है गुनाह पर एदे वाल ना वेखो मेरे वाल वेखो मैं आया ना मैं आया। आसान ना कर देवा गर्मियां दी छुट्टियां हो ना ते बच्चे स्कूल दी छुट्टियां विच सारा दिन फिरदे रहंदे ने उन्हां नूं कोई फिक्र नहीं ना स्कूल जावां दी ना ट्यूशन दी कोई फिक्र नहीं आउंदी सारा दिन फिरदे। मगर जो शाम होवे ना ते मगरिब दी अजान होवे ते बच्चे नूं ख्याल आंदा ओहो मैं ते सारा दिन फिरदा रहा ते अज मैं घर नहीं गया ते अबू बड़े गुस्से च उन्हें ते मार बड़ी पैनी। ते बच्चा फिर फिक्र इच करदा कि मैं उन्हूं घर नहीं ना जांदा बच्चे फिर चाचू दे घर चले जांदे ने ते चाचू नूं जाके कहंदे ने चाचू जी अज कदे मार बड़ी पैनी ते कदे अज छुड़ाओ ना। ते चाचा थोड़ा डांट के कहंदा चल मेरे पिछे पिछे आ जा ते मैं तेनूं समझाना कि अगू ना करी ते अज मैं तेनूं बचा लैंदा। चाचा जदों कंड पिछे बच्चे नूं करके जांदा ना ते बाप बड़े गुस्से नाल वेख के बच्चे वल ते कहंदा पिछे हट जरा इहदा अज मैं इलाज करां सारा दिन बाहर फिरदा रहा मैं इहनूं अज छोड़ना नहीं अज इहदा मैं इलाज करना है। ते चाचा बच्चे नूं कंड पिछे करके कहंदा चल अज इहने कर लिया ना ते अगू नहीं करदा ते अज दे दे माफ़ी अज इहदे नाल मैं आया ना। बस इंज ही कियामत नूं कमली वाले पिछे छुपा के ते अल्लाह ने कहना सोहणिया हट जरा इहनां दा इलाज करां ते मेरे नबी कहना अगू नहीं करदे मैं समझा के लिया ते अज दे दे माफ़ी अज मैं आया ना अज मैं आया ना अज मेरे वल वे तेरी उम्मत ना प्यार तो सदके प्यार तो सदके। उलमा फरमाते ने अजड़ी पे बकरियां चारे ना ते डीगर दा वेला ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी वह बग्याड़ा जो गई है बकरी इजड़ चो विछड़ी ते पिछे बग्याड़ लग गया बकरी डर के दूर चली गई। अचानक बकरी ने देखा ऊंची जगह तो उन्हें छलांग लगाई तो बकरी नूं नहीं पता नीचे दलदल ते बकरी दलदल च फस गई पीछे बग्याड़ ने भी छलांग मारी तो वह भी दलदल च फस गया। ते बग्याड़ रोवे ते बकरी हसे
भग्याड़ बकरी वाल वेख के कहन लगा मैं भी डुब के मर चलिया, तो डुब के तू भी मर चली है, मैं रोना तू क्यों हसनी है। बकरी भग्याड़ नू कहन लगी ओ सूरज वाल वेख। भग्याड़ ने सूरज वाल वेख्या ते आख्या सूरज पे डुबदा है, डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नू डुब जाना। कहन लगा डीगर दा वेला हो गया, थोड़ी देर बाद शाम हो जानी, ते दे च हसन वाली गल केड़ी है। बकरी कहन लगी वे शामा पै चलिया, थोड़ी देर दे बाद मेरे मालक ने बकरियां चार के घर जाना है, उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं आना, मेरे मालक ने मेरियां फिकरां लग जानियां ने, मेरे मालक ने मैनू ढूंढने आ जाना, मैनू कद के लै जाना, वे मैं हसनी हाँ, तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं, पता लग गया नवे पिंड वाले हो पिछे साई चूंदे आन पहचाने आई जाते रब्बे काबा दी कसम मिंबर रसूल ते खा के कहना हशर दे मैदान च जिथे नबिया ने नफसी नफसी कहंदे होणे ना, मेरे नबी उथे भी उम्मती उम्मती कहंदे होणे है, हजूर उथे भी उम्मती उम्मती। असी ते सजदे च सुभान रब्बी अल आला पढ़ने ना, उस नबी दा अपने ना प्यार वेखो, नबी सजदे च भी रब्बे हबली उम्मती पढ़दा है, कहिंदे रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत मैनू दे दे, मैं कयामत नूं जिवें दिल करे इन्हां नाल कर लवां, तू ना करे, तू अदल ते ना आवीं, अदल करे ते लुटिया, फजल करे ते छुटिया, बस अदल नहीं फजल, फजल करी सारी जिंदगी मेरे नबी ने अपनी उम्मत वास्ते रब दे फजल ते रब दी माफियां ते मगफिरत मांगी। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, एक दिन जबरील आयत लेके आए, वा इमिनकुम इल्ला बारी दुहा कान अला रब्बिका हातमम मक्दिया। आयत दा मफहूम ऐ सी कि कयामत नु सारे नु पुल से रात गुजरना पवेगा। पुल से रात एक पुल जिवें नहर दरिया ते पुल होंदे, इंज कयामत नूं दोज़ख दे उपर इक पुल रख्या जावेगा, वाल नालों बरीक ते तलवार ते ब्लेड नालों तेज, 500 साल दा सफर, हुक्म होवेगा सारे गुजरो, नेक भी गुजरो ते गुनाहगार भी गुजरो, नमाजी गुजर जाणगे, हाजी गुजर जाणगे, सखी गुजर जावणगे, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार ते मुत्तकी ते परहेजगार गुजर जाणगे, सत मरहले दोज़ख दे, पर ओ जिहड़ा आखरी पुल सिरात दा मरहला है ना, उत्थे आके बड़े बड़े नमाजी फस जाणे, बड़े बड़े हाजी फस जाणे ने, बड़े बड़े मुत्तकी ते परहेजगार उत्थे आके फस जाणे, क्यों? उन्हां हुकूकुल्लाह ते अदा कीते, मगर ओ जिहड़ा आखरी मरहला है ना, ओ हुकूकुल इबादा, बंदियां दे हक दा, अल्लाह के हक से अदा किए पर बंद के हक च डंडी मारते रहे, उत्थे फस जाना। नवा पिंड वाले हो तो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, उस मरहले की भी तैयारी करके जाओ, जो किसी नाल कोई हिसाब किताब रहिंदा ना तो इत्थे ही बराबर कर जाओ, उत्थे बड़ा औखा हो जाना। एक बादशाह सी, उहदा नाम सी हकम बिन अब्दुल रहमान सालिस, अपने लश्कर के नाल जंगल चो गुजर रहा, रात में जंगल चो पड़ाव किया, तो एक गाय पे चार दी, तो लश्कर ने गाय पकड़ी, जबा की थी, कबाब बनाए थे, खा गए। गाय एक गांव की माई सी, थी उस बेवा औरत की गाय, किसी जाके माई नु दसिया कि बादशाह का लश्कर आया तो जंगल चो ना तेरी गाय जबा करके कबाब बना के खा ले। सुबह हुई ना तो माई पिंड तो तुर पई, तो बादशाह जंगल चो टुरिया, तो इंज जिवें तुहाड़े नाल है ना दरस्ते, उ पुल वो माई पुल से खड़ी होगी कि बादशाह इतों गुजरना है, बादशाह की सवारी आई तो माई पुल से खलो के, तो बादशाह कह लगी जरा सवारी तू नीचे आ। बादशाह उतरिया तो माई कह लगी ओ सामने मेरा गाँव है, तो मैं उतों की बेवा औरत, मेरे को एक ही गाय सी जिदा दुध बीच बेच के मैं गुजारे करती स, तेरे लश्कर ने मेरी गाय जबा करके खा ली, तो दस हिसाब इस पुल से देना ही कि उस पुल से देना ही। बादशाह की चीख निकल गई, उन्हें आख्या माई उत्थे नहीं दिता जाना, इत्थे ही ला ले। बादशाह ने माई नु 72 गाइयां दे के राजी कर लिया, जे तुसां भी किधरे किस हिसाब किताब रहंदे ना, इत्थे ही बराबर करके जायो, उत्थे औखे हो जाने, इत्थे बराबर करके जाया।
अल्लाह ने फरमाया इमिनकुम इल्ला वारी दुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, फरमाया हर एक पुल से रात तो गुजरना पवेगा। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अनीसुल जली से लिखा ये आयत आई थे मेरे नबी दिन भी रोना थे रात भी रोना, मेरे गुलाम गुनामा दिया पढ़ना चुके किवें गुजरनगे, सरकार नु चैन नहीं आ रहे थे मेरे नबी गार च चले गए थे पहाड़ दी गार च जाके दिन भी रोना थे रात भी रोना, तीन दिन गुजर गए हजूर नु रोंदिया, इधर मदीना दिया गलियां सूंझियां हो गई कि हजूर कितने गए, तीन दिन गुजरे नबी पाक नजर ही नहीं आ रहे, सहाबा मस्जिद नबी दी नुक्कर च कोई उथे नुक्कर च कोई इधर बैठ के रोंदा हजूर कितने गए। आरवे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे टुर गए ने दिलदार दिला दे पतनों चुके मुहारावां उजड़ी बस्ती नदरिया बे कंड दिती जदियाराओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने ख्याल आया नबी करीम नु ढूंढ के लैके आवा, टुरे टुरे जंगल च आके आवाजा पे देंदे ने कमली वाले आओ किधरों सरकार दी आवाजा ना आईया, एक आजड़ी पकड़िया पे चार दे हजरत अबू हुरैरा आजड़ी दे करीब आके फरमान लगे आजड़ी आओ किधरे मेरा नबी वेखे आई, कह लगा मैं की जाना तेरा नबी कौन है, आपने फरमा तू मेरा महबूब नीठा जिनू वेख के चन शर्मा वे अदी राती दिन चढ़ जावे जियो मुख तो निकाब हटा वे ते बिजली डर दी लिश्क न मारे मता बेद भी हो जावे ते तौबा एडा उसन महीदा जिदी जाल न छली जावे आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर नया वे जबानो आजड़ी कह लगा मैं तेरा नबी नहीं देखे आओ। हजरत बुरा रंग समंदर जंगल वाले रोंदे जा रहे आजड़ी कह लगा जान वाले आओ जरा दो गल सुनी जाओ, कह लगा नबी ते तेरा नहीं वेखे आओ अज दिल दिल गड़े उधरे बड़ा अजीब मंजर पिया वेखना, तेरिया बकरियां ना कुछ खादियां ने ना पीदियां ने और सामने गार चू किसे दे रोंदियां आवाजा आंदियां ने, मेरिया बकरियां गार दे मुंह अगे मुंह रखे उहदे गामे च रोई जांदियां ने, आपले फरमाया गार चू आवाजा की आंदियां, कहन लगा आवाजा आंदियां ने उम्मती 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 हजरत अबू हुरैरा दियां चीखां निकल गईयां, फरमाया जड़िया उते मेरा नबी जड़ा उम्मत गम च रोई जा रहा, हजरत अबू हुरैरा रोंदिया गार दे अंदर आए, आपने देखा आवत नबी करीम सजदे च रोई जा रहे, हजरत अबू हुरैरा ने आके जफा मारे आओ अर्ज की सोनिया उठ तेरे गुलाम पे रोंदे नी, उठ कमली वाले मदीने दिया गलियां सुजियां हो गईयां, नबी करीम जर की तार रोंदे जा रहे सरकार दे अथरुआ दे नाल सारी गार दी जमीन तरे हो गई। हजरत अबू हुरैरा रोंदे मदीने दी गलियां जाके फरमांदे ने लोगो जल्दी जाओ कमली वाले घर च पे रोंदे ने, सारे मदीने वाले दियां दौड़ां लग गईयां, हजरत सिद्दीक अकबर ने जाओ के जफा मारे आओ अर्ज की कमली वाले आओ उठ सोने तेरा सिद्दीक आया ही, उठ कमली वाले दस तेरा कड़ा गम लग गया, उठ कमली वाले मैनू दस मैं रो लेना
सोनिया महबूब रोंद नहीं वेखे जाते कमली वाले जारो की तार सजदे च रोंदे जा रे हजरत मरे फारूक ने जफा मारे अर्ज की सोनिया उठ तेरा उमर आया उठ कमली वाले दस के कम लग गया नबी करीम सजदे च रोंदे जा रे सारे मदीना तैयबा वाले रो रे किसे आख्या जल्दी जाओ उन्हों बुला के लो जिन्हों वेख के नबी नू चैन आ जाता है जाओ के नबी दी शहजादी सैयदा फातिमा नू बुला के ले आओ हजरत सलमा ने फारसी मदीना तैयबा आए अर्ज की सैयदा जरा जल्दी आया जाए नबी करीम गार च रोई जा रहे औरतों के झुरमटे च परदा करके सैयदा गार दे अंदर आईया आके बाबा नू जफा मारे अर्ज की बाबा उठो जरा आई बेटी की आवाज सुन के उठ के मेरे नबी बेटी नू सीने नाल लाया अर्द कर दिया बाबा मेरे बाज एक घड़ी नहीं सो गुजार दे तीन दिन किवें गुजार ले फरमाया बेटी अल्लाह ने कुरान दिया है तनाजल फरमाई है अल्लाह फरमांदा वा इमिनकुम इल्ला बारी दुहा का नाला रब्बी का हतम मकदिया अल्लाह फरमांदा सौर पुल से रात गुजरना पवेगा मैं रोना मेरे गुलाम का की बनेगा गुनावा दिया पंडा चुक के किवें गुजरन गए सैयदा बाबा दे सीने लगे गईया अर्ज की बाबा रोवो ना बेटिया को बाबा रोंदे नहीं वेखे जाते अर्ज कर दिया बाबा रब नाल मैं आपे गल कर लेनी हूं सैयदा फरमान लगी अबू बकर जी दसो मेरे बाबा ली की करोगे आपने फरमाया सैयदा वादा करना वा उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगा जब तक नबी दी उम्मत दे वडेरे पुलसी रात न गुजर जान फरमा दिया मौला अली मेरे बाबा ली की करोगे आपने फरमाया जहरा वादा करना वा उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगा जब तक नबी दी उम्मत दे नौजवान पुलसी रात न गुजर जान फरमा दिया वे मेरे पुत्रों दसो बाबा लिखी करोगे अर्ज की अम्मी वादा करने उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगे जब तक नाने दी उम्मत दे बच्चे पुलसी रात न गुजर जाओन सीने लगे अर्ज की बाबा वादा करनी उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगी जब तक उम्मत दियां औरतां पुलसी रात न गुजर जाओन सैयदा भी रो रही मेरे आका भी रो रहे मदीने वाले भी रो रहे अचानक जिबरील भी रोंदे आ गए अर्ज की सुने रवो ना अल्लाह फरमांदा बेटी नू चुप करा लो साडे कोल जारा रोंदी नहीं वेखी जांदी अल्लाह फरमांदा कमली वालिया कयामत नू उवें कर लवांगे जिवें मुहम्मद दी बेटी आखे लजपाल नबी ते लजपाल नबी दी आल बाबा भी सारी जिंदगी मेरे तुहाडे वास्ते बख्शिश दी दुआ कीती रसूलुल्लाह दी बेटी भी सारी रात यही दुआ की अल्लाह जे मेरे जगराते कबूल ने तो मेरे बाबा दी उम्मत गुनाह माफ फरमा दे गिरामी कदर हजरात अजीज उन अलैहिम अनितुम हरीसुन अलैकुम अल्लाह ने फरमाया ओ रसूल कि जिद को अपनी उम्मत का मुशक्कत पैना बर्दाश्त नहीं तो लोगों को अपनी हिरस होंगी नबी गुलामा की बख्शिश की हिरस लगी हो अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए भाई मोहम्मद रहीम साहब इन्हां दे वालिद गिरामी दे दर्जात की बुलंदी फरमाए शमसदीन दे वालिद साहब दे अल्लाह दर्जात की बुलंदी फरमाए आने जाने वाले नूं अल्लाह तबारक व तआला हर कदम ते नेकियां दे ज़खीरे अता फरमाए आमीन व आखिर दवाइया अनिल हमदुलिल्लाह।